जय जिनीन। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पठान ब्रदर्स की एकेडमी पंजाब के अलग अलग राज्यों में खुलने से बच्चों में क्रिकेट सीखने की प्रतिमा दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। इसके उपलक्ष्य में आज पठान ब्रदर्स की एकेडमी में विदेश से कोच हायर किया गया। इसी के उपलक्ष्य में आज जब उन्होंने आत्मा चैनल को ये बताया कि उनका उद्देश्य बच्चों को अच्छे से सिखाना और उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद पर खिलाने की प्रतिमा बढ़ाना है। वह चाहते हैं कि आने वाले समय में पंजाब से ऐसे प्लेयर्स निकले जो इंडिया का नाम रोशन करें। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी टीम बहुत ही अलग अलग स्किल्स और टेक्निक्स के साथ बच्चों को ट्रेंड कर रही है। जब आत्मा चैनल की टीम ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने और क्या कहा, आइए मैं और आप मिलकर जानते हैं। कैंप विच छोटे बच्चे भी ने, वड्डे बच्चे भी ने, एंड ब्रूस एडम्स इज हैविंग अ पर्सनल सैशन विद दैम। उन्हों का एक मोटिवेशन लेवल वध रहा है, प्लस बच्चों नू सीखन नू मिल रहा है, स्किल्स वध रहे ने बच्चों के। यह कैंप जड़ा है 7 दिन चलूगा, सो अनदर 3 डेज टू गो। ऑलरेडी 4 दिन हो चुके ने, 3 दिन बचे ने, सो वी आर इनफैक्ट इनवाइटिंग मोर यंगस्टर्स टू कम ओवर। इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग इन लुधियाना। A lot of talent, both in the younger boys and the older boys, and I think that there are some boys here that are capable of playing for the state. And I know there are boys now playing district cricket, but they are at the stage now where they are improving very quickly, and I think the sky is the limit for some boys here. Aaj GGN Khalsa School de vich aan da mauka milya, aur itthe aake dekhya कि इरफान पठान और यूनस पठान की जी अकैडमी है वो तहत बच्चे जोड़े है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्पैशल जोड़े कोच हैं साढ़े आस्ट्रेलिया तो मंगवाए गए हैं जोड़े कि प्रोफेसनल कोच ने, और बच्चों उन्होंने बहुत सारे टिप्स दिते देखने इतने मिले। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याण दिवस का आयोजन रविवार को प्रातः 8:30 बजे से प्रवचन प्रभाविका महासाधवी श्री महक जी महाराज थाने 3 के सानिध्य में ऐसे जैन सभा नूरवाला रोड में मनाया गया। सभी भक्तजनों ने दर्शनों और प्रवचनों का लाभ लिया। इस मौके पर एमएलए संजय तलवार जी खास तौर पर उपस्थित हुए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज का जो भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक दिवस था, नूरोवाल समाज साथ में महिला मंडल और युवक मंडल, महिला मंडल का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था बहुत बढ़िया, बहुत दर्शनीय था। और हमारी ये भावना है कि ये महिला मंडल इसी तरीके से आगे भी बढ़ चढ़कर समाज के हर कार्य में भाग ले इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। और इसी के साथ एक सूचना है, आने वाली 1 तारीख 2019 दिन मंगलवार को यहाँ पर हम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहेगा, और उसके अंदर 24 तीर्थंकर भगवंतों के 34 अतिशय के रूप में हम पाठ करवाएंगे। तो हमारी ये भावना है कि नूरोवाल समाज का बच्चा बच्चा उस पाठ के अंदर हाजिर होना चाहिए, और उस दिन के कार्यक्रम को भी हम बड़े अच्छे पूर्वक से, बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधान अनिल जैन अपनी कमेटी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुचारू रूप से संपन्न करवाया है। लुधियाना से कैमरामैन विपिन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। शासन प्रभावक उपरिवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहिब का 22वां पावन पुण्य स्मृति दिवस आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहिब के सानिध्य में दिन रविवार को ऐसे जैन सभा डेराबस्ती जैन गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में मनाया गया। सभी सपरिवार संसंग ने इस स्वर्णिम अवसर पर अनुमोदक बन पुण्य वर्जन किया। इस मौके पर गुरु ने प्रवचन कर आए हुए भक्तों को संबोधित किया और धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया। मेरा नाम सुनील जैन है, प्रधान जैन सभा डेराबस्ती। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आराध्य गुरुदेव शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज का 22वां पुण्य स्मृति दिवस, जो कि हमारे आराध्य वर्तमान उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञात आगम पुरुष हिमाचल केसरी जिन शासन रतन परम पूज्य गुरुदेव
श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से, इनकी सद प्रेरणा से और भी साध्वी वृंद यहाँ पर विराजमान है। उन सब के आशीर्वाद से आज हमें यहाँ पर मनाने का सुअवसर मिला है और दूर दूर से यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर के गुरु चरणों में आए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है आप सभी दानी सज्जनों के सहयोग से जो यहाँ पर गौशाला का सेवा का कार्य चल रहा है, जिसमें कि लगभग 300 गाय माताओं की सेवा गुरु जी की सदप्रेरणा से और आप सभी दानी सज्जनों के सहयोग से की जा रही है। उस गौशाला का विस्तार जो है वो करने के लिए ही उद्देश्य आज के फंक्शन का रखा गया है। अश्विनी जैन, चेयरमैन जगदीश कामधेनु गौशाला डेराबसी, आज जगदीश मुनि जी महाराज के 22वें स्मृति पुण्य स्मृति दिवस पर आज महाराज उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ने हम सभी और बड़ी पार कृपा की, डेराबसी में इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर पाए, बाहर से आए हुए लोगों की सेवा कर पाए। इनकी प्रेरणा से जो गौशाला शुरू हुई थी, 200-250 के लगभग गौ माताएँ वहाँ पर हैं जिनका हम ठीक से लालन पालन कर रहे हैं। महाराज श्री के आशीर्वाद से दो नए शेड का निर्माण करना है आगे, और एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसमें बीमार गांवों की हम सेवा कर सकें करने की योजना है। आप सभी के सहयोग से उसे हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी और गुरुदेव के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। अमृतसर के अधीन आते गांव नौशहरों में अकाली और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई झड़प, आइए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलक। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ 50-100 ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਰਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 126-127 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਮਨਗਰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਬੂਥ ਅੱਜ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਖੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪਾਇਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾ ਜਾ 126 ਨੰਬਰ ਬੂਥ 127 ਨੰਬਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। 43ਵਾਂ GS ਬੈਂਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਬਰਸ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ASC ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੀ ਟੀਮ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹੁਆ, ਜਹਾਂ ਦੋਨੋ ਟੀਮੋਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਅਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਫਾਈਨਲ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਟੀਮੋਂ ਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨਕਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਇਹ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਪਰ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਵਹਿ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ GS ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 43ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁੜੀ ਆ, ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
सीएम साहब ना गल करके जिहड़ियां कोई मुश्किल आ रही इन्हां नूं उह असीं जरूर ठीक करांगे। देखो गल आ इलैक्शन जिहड़ा पंचायतां दा ये लोकल लैवल दा जिहड़ा पिंड लैवल दा इलैक्शन आ इस किसी भी पार्टी नूं मैं समझना ये छड़ देना चाहिए लोगों नूं छड़ देना चाहिए बड़े फेयर इलैक्शन होने चाहिए ने। सो इस साल भी कितने कोई घटना हुई होगी बाकी इलैक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है जदों दे अकाली ये साड़ी पार्टी के ब्लेम कर रहे हैं पर जदों ये आप सी जदों इन्हां दी सरकार सी उदों इन्हां नूं पुछो की कीता सी। चलो मैं ये गल नहीं करना चाहता मैं तो हमेशा साड़ी सरकार की यह सोच आ भी इलैक्शन जिहड़े ने बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए ने ये जिहड़े पंचायत के इलैक्शन इन्हां च किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। नाभा सिरजेज बजाज की रिपोर्ट। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब समुदाय वडेल तप चक्रवर्ती आचार्य श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहेब ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब कार्यदक्ष मुनिश्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहेब आदि सभी गुरु भगवंत और साध्वी भगवंत बाबा गज्जा जैन कम्युनिटी सेंटर समुद्र नगर में विराजमान है। इस मौके पर भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। आज हमारे 23वें तीर्थपति पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक का महान पर्व दिन है और आज बाबा गज्जा जैन कम्युनिटी सेंटर में परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूर्यजी महाराज साहेब तप चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्रीमद विजय वसंत सूर्यश्वर जी महाराज साहेब तथा ज्ञान प्रभाकर आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सूर्यजी महाराज साहेब आदि साधु साध्वी वृंद की पावन निश्रा में त्रिदिवसीय जिन भक्ति महोत्सव के अंतर्गत आज महोत्सव का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर परम परमात्मा श्री पार्श्वनाथ दादा का पंच कल्याणक पूजा का भव्याति भव्य आयोजन यहाँ चल रहा है। बड़ी ही भव्य भावनाओं के साथ में हम परमात्मा की पूजा और भक्ति कर रहे हैं। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी के लिए आज दूसरे एकाशनी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आज खीर का एकाशना यहाँ पर करवाया जा रहा है। 400 से भी अधिक एकाशने के तपस्वी और तीन तीन उपवास करने वाले अट्ठम तेलातप करने वाले तपस्वी बड़ी संख्या में यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। आज 31 दिसंबर को रात्रि 7:30 बजे इसी परिसर में इसी बाबा जी के हॉल में परमात्मा के दरबार में एक शाम प्रभु पार्श्व और बाबा गज्जा के नाम भक्ति संध्या का भव्याति भव्य आयोजन समय पर प्रारंभ होगा और इस कार्यक्रम में बड़े ही आकर्षक पुरस्कार और उपहार भाग्यशालियों को प्रदान किए जाएंगे। समय पर पधारें। इसके साथ ही भक्ति संध्या में मुंबई से प्राची जैन अपनी पूरी टीम के साथ और दिल्ली से भी संगीत कलाकार यहां पर पधारने वाले हैं। रात्रि भक्ति संध्या के दौरान आज के हमारे और साथ में आज के एकाशने के लाभार्थी परिवार का भी बहुमान रात्रि भक्ति संध्या के दौरान किया जाएगा। रात्रि भक्ति संध्या में ही 12 बजे जब नया वर्ष प्रारंभ होगा और उस समय परमात्मा के प्रथम दर्शन और बाबा जी के नव स्वरूप के अंदर में नए रूप के अंदर में प्रथम दर्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे। उसके भी कूपन लकी कूपन यहाँ पर बाहर काउंटर पर उपलब्ध हैं। मात्र 100 रुपये की राशि के साथ वो कूपन प्राप्त कर सकते हैं। जिसका भी कूपन रात को निकलेगा वह भाग्यशाली सबसे पहले यहाँ पर द्वारोद्घाटन करेगा और वह परमात्मा के दर्शन और बाबा जी के दर्शन सकल संघ को करवाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं अवश्य ही वह आज ये कूपन अवश्य प्राप्त करें।
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के सतगुरु प्रताप सिंह SPS हॉस्पिटल मेरी बात सुनो कैंपेन के जरिए बहरेपन के खिलाफ जंग शुरू कर रहा है। इसके तहत जन्म से गूंगे बहरे बच्चों की कोकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाएगी ताकि वे समाज पर बोझ बनने की बजाय समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित होटल पार्क प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SPS हॉस्पिटल के कोकलियर इम्प्लांट सर्जन व ENT के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव कपिला ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 450 मिलियन से अधिक लोग बहरे हैं, जो दुनिया की आबादी का 5% हिस्सा है। इवेंट मेरी आवाज़ सुनो ना बच्चों लिए है जड़े प्रोफाउंडली डैफ पैदा होंगे है, कॉन्जनैटली डैफ पैदा होंगे है, क्योंकि जो तक बच्चा सुनता नहीं उदों तक बोलता नहीं, एंड इस बच्चे सोसाइटी के डैफ एंड डम कहलाते हैं। इन्हों बच्चों का IQ नॉर्मल होंगे, घट नहीं होंगे, बट फिर भी ये डम कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी इन्हों एक्सैप्ट नहीं करती। बट ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ये बच्चे कल नॉर्मल हो के सोसाइटी दे विच अपनी आवाज़ नू रख सकदे और कह सकदे कि मेरी आवाज़ सुनो। सो इस दे लई एक तो ये रेकोगनीशन चाहिए है भी इन्हां नू प्रॉब्लम है अते इलाज हो सकता है, ये अवेयरनेस चाहिए है। सो जदों किसी कोई बच्चा साडे कोल आंदा जिसनू ये प्रॉब्लम है, असी कुछ टेस्ट करते हैं, उस तो बाद एक ऑपरेशन होंदा जिसनू कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कहा जाता है। वह सर्जरी तो 3 हफ्तों बाद बच्चा सुनना शुरू कर देता है। वंस बच्चा सुनना शुरू करता है उस तो बाद उसकी स्पीच थैरेपी होंदी है, अदे वो हौली हौली बोलना शुरू कर देता है, सीख लैंदा है। सो ये बिल्कुल क्लीयर है कि ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अज की डेट के अवेयरनैस की कमी है, लोगों के डर है कि ऑपरेशन होएगा, छोटे बच्चे का ऑपरेशन होएगा, कि ये बच्चे ठीक भी हो सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग कह देंगे जिवें जिवें वड्डा होएगा बच्चा ठीक हो जाएगा, अते वो इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस टाइम लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन जिन्नी जल्दी हो किया जाए उन्नी इसके रिजल्ट्स बेटर है। लुधियाना से कैमरामैन विपन और बलवीर मोहतरा की रिपोर्ट। धर्म और विरसा क्लब पंजाब की ओर से नौजवानों को नशों की राह को त्याग कर धर्म के साथ जोड़ने वाली प्रेरित फिल्म 4 साहिबजादे दिखाने का उपराला किया गया और इसी के चलते गुरुद्वारा नानक सेवक सभा निरंकारी मोहल्ला मिलरगंज लुधियाना के इलाका निवासियों और संगतों को निर्माता सहित विनती की और अपने परिवार के साथ फिल्म देखने की अपील की ताकि वह नशे को त्याग कर धर्म के रास्ते से जुड़ सकें। सारी संगत के सहयोग नाल उपराला किया है जिड़ी साढ़े गुरु साहबान की लसानी शहादत याद करते हैं, जिहड़ा परिवार उन्होंने सारे सिक्खी कौम के उस कौम के वास्ते परिवार वार दिता, उसनों याद करते हैं। 4 साहबजादे फिल्म दिखाई आ ता कि संगत को ये प्रेरणा मिल सके, बच्चों साढ़े प्रेरणा मिल सके, ता कि सिक्खी धर्म नाल जुड़ सकन, सिक्खी इतिहास बारे इन्हों जाणू करवाया जा सके। ये असी ये उपराला सदा करते रहीदा, जिवें कि असी अज कल ही बस भेज के हटे हैं ता कि बच्चों गुरधामां बारे जां होर भी अपने फतेहगढ़ साहब जां रोपड़ जिन्हें भी अपने माछीवाड़ा साहब गुरुद्वारे ने सारे गुरधामां दर्शन लिए बसा भेज के असीं उपराला इस लिए करीदा ता कि सिक्खी धर्म के बारे साढ़े बच्चों एक चानण मुनारा बन ता कि उन्होंने इन्हां बारे समझ आ सके। अज असी धर्म ते विरसा क्लब पंजाब वालों संगतां ते इस इलाके दे सहयोग सदका फिल्म 4 साहिबजादे दिखाउण दा एक उपराला किया। अगे भी असी धर्म के प्रति जो हो सकता असी प्रोग्राम करवाउंदे रहने आ, ऐसियां अजिहियां फिल्मां समाज लई एक बड़ी वड्डी देण ने। असी खास तौर पर जिहड़े कि फिल्म के निर्देशक हैरी बवेजा जी ने उन्हों का समुची पंजाब ही नहीं लेकिन बिल्कुल जिथे तिके भी सिक्खी की संगत वसदी है उन्हां वल्लों धन्नवाद करते हैं, क्योंकि इस फिल्म ने एक बड़ा वड्डा मैसेज दिता बच्चों नवी जनरेशन सेध देने लई, जिस असी जिहड़ा कि लिटरेचर के राही जो ज्ञान मिलता उस तो अलावा वीडियो के राही जिहड़ा इस पिक्चर ने सिख धर्म का जो प्रचार किया जो सिख धर्म को प्रमोट किया असी विशेष तौर पर उन्होंने धन्नवाद भी करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के गुलमंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भक्तों ने भक्ति रस का आनंद लिया और भजनों पर खूब नाचे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति रस का आनंद लेते नजर आए। अंत में आए हुए भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। इवेंट मेरी आवाज़ सुनो ना बच्चों लिए है जड़े प्रोफाउंडली डैफ पैदा होंगे है, कॉन्जनैटली डैफ पैदा होंगे है, क्योंकि जो तक बच्चा सुनता नहीं उदों तक बोलता नहीं, एंड इस बच्चे सोसाइटी के डैफ एंड डम कहलाते हैं। इन्होंने बच्चों का IQ नॉर्मल होंगे, घट नहीं होंगे, बट फिर भी ये डम कहलाते हैं
क्योंकि सोसाइटी इन्हों एक्सैप्ट नहीं करती। बट ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ये बच्चे कल नॉर्मल हो के सोसाइटी दे विच अपनी आवाज़ नू रख सकते और कह सकते कि मेरी आवाज़ सुनो। सो इस दे लई एक तो ये रेकोगनीशन चाहिए है भी इन्हों प्रॉब्लम है अते इलाज हो सकता है, ये अवेयरनेस चाहिए है। सो जो किसी कोई बच्चा साढ़े को आता जिसनों ये प्रॉब्लम है असं कुछ टैसट करते हैं, उस तो बाद एक ऑपरेशन होंगे जिसनों कॉकलियर इम्पलांट सर्जरी कहता कहा जाता, वो सर्जरी तो 3 हफ्तों बाद बच्चा सुनना शुरू कर देता है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। राहो रोड स्थित गौतम कॉलोनी में पंचायती चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़ी बीबी मंजीत कौर ने जीत हासिल की और सभी ने मिठाइयों से मुंह मीठा करवाया। सभी ने उनको इस सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बीबी मंजीत कौर ने यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं वह उनको पूरा करने का काम आज से ही शुरू करेंगी और लोगों ने उन पर जो विश्वास दिखाया उस पर वह जरूर खरी उतरेंगी। आज आत्मा चैनल ने वहां का दौरा किया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनसे सवाल जवाब पूछे। इस दौरान उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। वार्ड नंबर 1 के किशन लाल जी जिते आ, वार्ड नंबर 5 के जिते आ जी चन्न सिंह जी, चन्न सिंह जी दो, वार्ड नंबर है 4 के धरमिंदरपाल जी। ठीक है, की सुधार तुसी सोचे ने इलाके विच? जो साढ़े महल के जो कवा अधूरे रेंदे आ जिदा कि कुछ गलियां रेंदियां ने जा कोई होर पानी सीवरेज की कोई समस्या है, सीवरेज पिया हुआ पानी ब्लॉक पिया पानी महल के घूमता साइड आले दुआले लोगों ने घर पानी बढ़िया बहुत बुरा हाल आ, इस कोशिश करा सुधारा इन सुधारा जरा सीवरेज बंद उधर नाल जोड़न की कोशिश करा उन्हों तो जो होर जे माड़े काम ने अधूरे ने पे आ साडी पंचायत ने पहला रेंदे आ उह पूरे करांगे। जो भी है आंगनबाड़ी का जो भी चल रहा काम सारा अपने जिम्मेवारी नाल करावांगे। हाँ जी सारा कुछ करांगे। लुधियाना से कैमरामैन विपन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के गुलमंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भक्तों ने भक्ति रस का आनंद लिया और भजनों पर खूब नाचे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति रस का आनंद लेते नजर आए। अंत में आए हुए भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। चाल है मोरा वाली के मुख तेरा चन वरगा, के मुख तेरा चन वरगा सुन मोइना, सानू रोज ना लिखा करो चिट्ठियां के वृंदावन आन मिलागे, जय हो के वृंदावन आन मिलागे सुन मोइना, मेरे अंगना में एक बारिया सावरिया नंद नंदना, मेरे अंगना में एक बारिया सावरिया नंद नंदना, सावरिया नंद नंदना, सावरिया नंद नंदना। जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये कर्म तो है मेरी श्यामा का मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, वो दिल ला ले हसीहारा वाले श्याम नाले, दिल ला ले दिल ला ले दिल ला ले हसीहारा वाले श्याम नाले, दिल ला ले। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट।